अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर टूटी और अब असली चुनौती बना है रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना की देखरेख में 6 एजेंसियां दिन रात इस मिशन में जुटी हैं। एयरफोर्स के 8 हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है जबकि 40 लापता हैं। 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। इसी बीच आपको हम धामपुर से गए 4 तारीख में शिव भक्तों के जत्थे से मिलाते हैं जो बाबा के दर्शन की आस में पंचतरणी में टेंटों में रुके हुए हैं। आइए जानते हैं अमरनाथ में किस हाल में है धामपुर के शिव भक्त। आप अमरनाथ यात्रा के लिए कब निकले थे धामपुर से? 4 तारीख में। और यहाँ कब पहुँचे? यहाँ पहुँचे हम 7 तारीख में। इस टाइम आप कहाँ पर हैं? इस टाइम पंचतरणी में। पंचतरणी में आप कब पहुँचे? जब ये हादसा अमरनाथ जी गुफा में के पास जहाँ भी हुआ तो आप उस टाइम कहाँ थे? हम पंचतरणी में पहुँच गए थे। अच्छा, आप कितने ग्रुप में कितने जने हैं? हम लगभग 99 जने थे। लगभग इस टाइम हम 62 जने हम अब साथ हैं। 62? अच्छा, 60 जने साथ हैं। हमारे कुछ चले गए दर्शन करके, कुछ अभी पीछे फंस रहे हैं। अच्छा, आपको यहाँ कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत वैसे तो यहाँ से भरपूर सेवा है, भोले बाबा की भंडारे हैं, सब चीज है, लेकिन यहाँ कुछ भी व्यवस्था बिगड़ रही है, जैसे कि पालकी वालों की, घोड़े वालों की, टेंट वालों की, उन्होंने अपने सबने रेट बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, इस टाइम आप कहाँ रुके हुए हैं? इस टाइम हम पंचतरणी में रुके हुए हैं। अमरनाथ गुफा यहाँ से कितनी दूर रह जाती है? यहाँ से 6 किलोमीटर दूर अमरनाथ गुफा है। अच्छा, जो आज सुबह वापस जाने वालों के लिए खोल दी गई है। अच्छा, गुफा के लिए जाने वाले के लिए बंद है। फिलहाल यहाँ इस टाइम कितना यात्री है? इस टाइम यहाँ लगभग 10,000 यात्रियों से ऊपर है। और रात लगभग कितना यात्री रहा होगा यहाँ? रात यहाँ कम से कम 25 से 30,000 यात्री यहाँ रुका हुआ है। ये यात्री कहाँ से आया? मतलब ताल वाले रास्ते से जाने वाला, पवित्र गुफा में जाने वाले यात्री थे, जो यात्रा सब यहाँ वापसी आए। आपको यहाँ कोई यात्री कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी सब आपके साथ वाले ग्रुप वाले सब टेंट में बढ़िया तरीके से है, यहाँ कोई सारी व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।